welcome back to my channel. So today's vlog is more of a cooking vlog slash what we eat and what we are making. So I am at my cousin's house and today we are having a girls night out kind of a thing jahan pe meri mummy hai, meri cousin hai aur main hu. So aaj meri cousin aur mom bana rahe hain alag alag dishes. So usme se ek hai fish ki dish aur ek hai fish ke sath बंद गोभी जिसको बोलते हैं कैबेज. सो से हाय. सो मम्मी आप क्या बनाने वाली हो आज? मैं फिश बना रही हूँ जो कतला माछ है उनके ग्रेवी वाले, उसके साथ मछली का जो सर रखा है, सर होता है जो, उसकी बंद गोभी के साथ बहुत अच्छे बंगाली डिश बनेंगे, सबको पसंद आएंगे. अच्छा दीदी आप क्या बनाओगी? तो आप लोग देखते हैं. अच्छा और मैं क्या करूँगी? मैं खाऊंगी एज ऑलवेज. नहीं वैसे मैं भी खाना बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरे से मेरी रेसिपीज देखी होंगी. तो आज मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ खाना खाना और बिग बॉस देखना जो कि अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में. सो मम्मी ने अभी थोड़ा जो प्रोसेस है मैंने नेक्स्ट क्लिप में आपको देखने को मिल जाएगी. विदाउट अ फर्दर डू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू एनी अदर वीडियो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द व्लॉग. हेलो अब मैं गरमा गरम ओ भाई फ्राई होगा और ये फ्राई होंगे. जब तक फ्राई नहीं हो रहे तब तक मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ. इसके लिए मसाला भी तैयार कर ली. मसाला मैं अलग अलग से नहीं दिखा रही हूँ, सब इकट्ठा मसाला पीस लिया ना, तो मैं आपको एक बार में दिखा रही हूँ. मैं खोलती हूँ, पकड़ो. इसमें है अदरक लहसुन और प्याज. अदरक लहसुन और प्याज और कुछ नहीं. टमाटर 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 भी डाला, खट्टा भी हो तो और भी टेस्टी होगी. ओके सो दिस इज द मेन एंट्रेंस वेयर वी कम फ्रॉम. आई डोंट वांट टू शो यू दैट. दिस इज द शू रैक व्हिच शी हैज, लाइक दिस इज सो नाइस. उन्होंने कितने अच्छे से ये अंकल आंटी बैठाए हुए हैं यहाँ पे. एंड देयर इज अ फ्लावर वास, देयर इज शू रैक एंड दिस इज हर लिविंग रूम, लुक्स लाइक लिविंग स्लैश डाइनिंग. सो या सच क्यूट लिटिल थिंग्स. दैट्स माई बैग एंड दैट्स अ मनी प्लांट and some great 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 things. Ignore this mess. वो मेरी मम्मी का, बहन का, मेरा, सबकी जैकेट्स हैं because it's winter time. And now we have this amazing bar cabinet जहाँ पे मेरी बहन ने बहुत अच्छे अच्छे bottles का collection रखा हुआ है जो सारी full है. दीदी कब पीने को मिलेंगी हमें ये? Yeah, that's that. And now it's the bedroom. So I was watching Big Boss before I was leaving and I will again watch Big Boss because let me know guys who do you like most in Big Boss. Like right now I have like two favorites. One of them is for sure Rahul Vaidya and the second one I would say I kind of am biased about Rubina, but yeah, let's see who wins. But yeah, my first one is Rahul Vaidya. I really want him to win. So yeah, that's that. And next, that's the kitchen जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं. Obviously आपको दिख ही रहा होगा तब से. And that's also a different room which she has. This is like a guest room, like people like us when we come we sleep here. By the way I sleep with her only, but yeah when we have more guests they sleep here. And that's the puja ghar. And there's this balcony. यहाँ पे light नहीं है, so there is no point of showing you guys. ओके सो आउट. देख रहे हो मैं कितनी क्लम्सी हूँ, मैं खड़े खड़े गिर जाती हूँ. अब क्या करने वाले हो? अभी हमारी मछली फ्राई हो गई है, फिश फ्राई हो गई है. अब इसमें हम क्या करेंगे, तेल ऑलरेडी गर्म है. मछली फ्राई करने के बाद में अभी इसमें साबुत, ये देखो साबुत, जीरा, थोड़ी सी तेज पत्ता डाल रही हूँ. मैं आलू को फ्राई करूँगी और थोड़ा आलू भी डालूंगी, थोड़ा टेस्टी और भी अच्छा था. ग्रेवी पन भी आता, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी होता, बहुत अच्छा लगता. तो आलू भी इसमें फ्राई कर दूँगी.
अब ये हमारे आलू फ्राई हो गए ठीक है। अब इसमें मैं ये जो मसाला ऑलरेडी बनाए थे ये जीरा हाथ से डाल दे ठीक है। ये थोड़ा सा जीरा जीरा पाउडर ही थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें क्योंकि दाने के नीचे भी जाएंगे। ये हमारा मिर्च रेडी देखो, ये है मिर्च पाउडर एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दोनों ही मैंने रखा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए रखा मैंने कहा कलर ज़्यादा अच्छा है बोलते तो दोनों मिक्स करके मैं डाल दिया। भाई साहब अब मैं इसमें मछली छोड़ दी ठीक है। आप इसको थोड़ा फिर 15-20 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद इनको ऊपर से धनिया गरम मसाला करके गैस पर बंद कर दिया। दीदी आपके वाले का क्या हाल है? मेरे वाले हैं मछली के पहले जाने वाले हैं। इसके ऊपर रखो यहाँ पे गर्म हो जाएगी मछली का सर घुसाने वाली सब्जी में। ये देखो एक है मछली का, ये है मछली का सर और धड़ बहुत अच्छा लगती है। बहुत बढ़िया। कौन कहेगा हमारी दीदी पंजाबी है? है दीदी मछली का क्या बनाते पंजाबन होके प्रॉपर बंगाली खाना पसंद है दीदी। ये हमसे थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना ये चीज। हाय गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो इट्स करेंटली द नाइट टाइम एंड वी आर अबाउट टू हैव अ डिनर। सो आई एम गोना मेक यू सी व्हाट आई एम ईटिंग फॉर डिनर। Ignore my face, I slept for a while in between. I was very tired as it's a new year and I'm all like shawl wall ओढ़ के मैं बैठी हूँ। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। So yeah, I'm gonna show you what I eat. So this is what I'm eating. I'm having rice with fish curry, egg curry, cabbage की सब्जी with fish head and papad. That's what mom's thali look like. And दीदी अभी आ रही हैं अपना खाना लेकर। दीदी कहाँ रह गए आप? ओके गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे टू। आज संडे है एंड मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मतलब घर वाले भी अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। आई एम स्टिल एट माई कजन्स हाउस एंड कल रात से ठंड का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज रात से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है नोएडा दिल्ली एनसीआर में एंड बारिश अभी भी हो रही है। लाइक आई थिंक 2-3 4 बजे बारिश स्टार्ट हुई होगी एंड अभी तक हो रही है। राइट नाउ इट्स 1:30 PM एंड इट्स वेरी बैड। लाइक बाहर का सिचुएशन आई एम जस्ट गोना शो यू कैसा है एंड यू कैन ऑल्सो सी अब ठंड पड़ने वाली है और ज़्यादा। So as you can see, this is the situation. बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड ये नॉन स्टॉप हो रही है, मतलब कल से रात से ही नॉन स्टॉप बारिश हो रही है एंड इट्स वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो अभी शाम हो रही है एंड वी आर क्रेविंग फॉर सम जूस। ऐसे अपने घर पे फ्रेशली जूस बनाने वाले हैं, उसके लिए आई विल बी यूजिंग दीज ऑरेंजेस। So I'm just gonna wash them and show you the process how we make juice at home. आप लोग भी घर में बना सकते हो, बनाओ फैमिली के साथ, मज़ा आता है। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, हार्ड वर्किंग है बट मज़ा आता है। यू गेट टू ड्रिंक योर ओन मेड जूस। सो या लेट्स सी हाउ वी डू द प्रोसेस। Thank you.
so much for watching the vlog. It was a short vlog, but it was a great night spent with my cousins, my cousin at my mom at her house. I really enjoyed the time I spent with my family. I hope you all do so. And yeah, I really like sharing my, you know, experience and my time with my family with you all on my channel. So yeah, that's it for the video and the vlog. I hope you guys enjoyed it. If you did, please hit the like button, subscribe to my channel, share with your family and friends. It will mean the world to me. And don't mind my voice. It's a very, very bad because of cold I got from the weather. But yeah, kya kar sakte hai. So yeah, now I'm gonna see you in my next video. Stay tuned. Bye bye.